हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले के वीडियोस में क्लास 10 की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइज के 2 लेसन्स को हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट, और आइए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं लेसन नंबर 3। और लेसन नंबर 3 का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जी हाँ बच्चों, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और इनमें इस लेसन में बच्चों 2 स्टोरीज दे रखी हैं फ्लाई करने की, उड़ने की। उसमें से आज हम लोग फर्स्ट जो स्टोरी है जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसे ही कंप्लीट करने जा रहे हैं। बच्चों, बेसिकली ये स्टोरी है एक सीगल की। जी हाँ बच्चों, सीगल जिसे कि कह सकते हैं वाइट कलर की समुद्री चिड़िया, जो कि बच्चों बेसिकली ये चिड़िया पाई जाती है समुद्र के किनारे। जी हाँ बच्चों, ये जो सीगल है ये समुद्र के किनारे ही पाई जाती है, और उसमें जो छोटी छोटी फिश होती हैं उन फिश को ये अपने पंजों से पकड़कर उसे बाइट करती है, उसे खाती है। तो ये स्टोरी जैसा कि मैंने आपको बताया एक सीगल की है, उसके पेरेंट्स की है, उसके सिबलिंग्स यानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की है। तो बच्चों, ये स्टोरी शुरू होती है तब जब एक सीगल नया नया उड़ना सीखने की कोशिश कर रही है, और उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं वो एक दिन पहले ही 24 आवर्स पहले ही उड़ना सीख चुके हैं, लेकिन इस सीगल को उड़ने से लगता है बहुत ज़्यादा डर। तो आखिर ये डर क्यों लगता है? क्योंकि इसकी ये फर्स्ट फ्लाइट है। और बच्चों, इसी लेसन इसी स्टोरी पर बेस है हमारी इस फर्स्ट बुक का नाम, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट। जी हाँ बच्चों, इसी स्टोरी से लिया गया है हमारी क्लास 10 की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का नाम। तो बच्चों, इसकी फर्स्ट फ्लाइट में इसे डर क्यों लग रहा है? भाई, डर तो सभी को लगता है, लेकिन कहा जाता है ना, डर के आगे जीत है। तो क्या इस सीगल ने अपने डर को जीता या नहीं जीता, या ये कबड़ ही बना रहा, इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को किया या नहीं किया, इन सब बातों को जानने के लिए तो बच्चों इस लेसन को हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। बच्चों, जब हम लोग छोटे होते हैं ना, तो हम लोगों की देखभाल करते हैं हमारे पेरेंट्स। उसी तरीके से जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं, जब इनके जो बेबी होते हैं छोटे रहते हैं, तब इनकी देखभाल इनके पेरेंट्स ही करते हैं। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोगों को होना पड़ता है सेल्फ डिपेंड। हम लोगों को अपने आप खुद अपनी जॉब ढूंढनी पड़ती है, और कमाई का जरिया अर्निंग का जरिया भी ढूंढना पड़ता है। उसी तरीके से बर्ड्स होते हैं बच्चों, एक निश्चित समय तक तो बर्ड्स अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके बाद में जब उनके बेबी बर्ड्स बड़े हो जाते हैं तो उन्हें सेल्फ डिपेंड होना पड़ता है, अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है। तो उसी तरीके से बच्चों, ये स्टोरी है एक सीगल की, जिसे राइट किया है लियाम ओ फीहरली ने। जी हाँ बच्चों, लियाम ओ फीहरली ने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को लिखा है, और बहुत ही सुनने में रुचिकर है, और इसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये स्टोरी है एक मोटिवेशनल स्टोरी, इस स्टोरी से सभी को मोटिवेट होना चाहिए और सभी को प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्टोरी शुरू होती है एक सीगल से, उसके पेरेंट्स हैं, उसके सिबलिंग्स हैं, लेकिन इस समय वो अपने लैज यानी कि होल, जहां पर ये बच्चों सीगल रहते हैं उसे बोला जाता है लैज, उस लैज में ये 24 आवर्स से अकेला है। और बच्चों, अकेले होने का कारण इसका ये है क्योंकि इसके पेरेंट्स और इसके जो सिबलिंग्स हैं वो ये चाहते हैं कि ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट करे, और फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने के बाद ही ये अपना भोजन है खुद ढूंढेगा और सेल्फ डिपेंड होगा। इसके जो सिबलिंग्स हैं वो 24 आवर्स पहले ही उड़ चुके हैं, यानी कि जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो उड़ना सीख चुके हैं, अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ये जो इसका सीगल है, सबसे छोटा ब्रदर है, इसे उड़ने से लगता है बहुत डर। इसे ऐसा लगता है कि जब ये उड़ेगा तो इसके जो विंग्स हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और बच्चों, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके विंग्स इसके जो सिबलिंग्स हैं उन सभी से बड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी ये अपने अंदर के डर को, अपने अंदर के अफ्रेड को समाप्त नहीं कर पा रहा है, ख़त्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब तक अपने अंदर के डर को ये ख़त्म नहीं करेगा तब तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट नहीं होगी। और इसीलिए इसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि 24 आवर्स तक इसे छोड़ देते हैं, और ये चाहते हैं कि जब ये अकेला रहेगा तो खाने की तलाश में जब इधर उधर जाएगा तो इसे अपने आप ही उड़ना आ जाएगा। तो उसके लिए उड़ने का ये भी कोशिश करता है, फर्स्ट अटैम्प्ट करता है, जिसके लिए ये छोटा सा पीछे रन लेता है। जब हम लोग
जैसे आपने देखा होगा एनिमल्स में भी, टाइगर को देखा होगा ना, अपने शिकार को दबोचने से पहले थोड़ा सा पीछे जाता है और पीछे जाके रन करता हुआ बहुत तेजी से भागता हुआ आता है। उसी तरीके से ये सीगल भी थोड़ा सा पीछे जाता है, एक छोटा सा रन लेता है और दौड़ता हुआ, एक छोटी सी रॉक होती है लैज के पास, एक रॉक होती है जहाँ पर इसका लैज होता है, होल होता है, उस रॉक से नीचे कूदने की कोशिश करता है। लेकिन जब नीचे देखता है तो इसके अंदर का जो कवर्ड है, डर है, फिर इस पर हावी हो जाता है और ये वापस बैक हो जाता है। सोचता है कि जब ये वॉक करेगा और ये जंप लगाएगा रॉक से तो इसके विंग्स इसे सपोर्ट नहीं करेंगे और ये गिरकर इसकी डेथ हो जाएगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर ये बहुत डर रहा है और डरने के कारण ही ये उड़ना फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो आखिर इसके जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट करें, अपने डर को ख़त्म करें और अपने जो पंजे हैं उन पंजों से अपने शिकार यानी कि जो डॉग फिश होती, छोटी छोटी फिश होती हैं, उन्हें फिश को कैच करें सी से। और बच्चों 24 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे लेकिन कोई भी इसका पेरेंट्स या सिबलिंग इससे मिलने के लिए नहीं आया था। और बच्चों इसका कारण ये था कि उसके पेरेंट्स और सिबलिंग चाहते थे कि ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट करे और ये भी उड़ना सीख ले। और बच्चों इसके जो सिबलिंग्स थे वो फ्लाई करने में एकदम परफेक्ट हो चुके थे और इसका जो एक बड़ा भाई था उसने एक हेरिंग फिश को कैच किया था और उसे मजे लेकर खा रहा था और वो डाइव कर रहा था, इतना परफेक्ट हो गया था फ्लाइट करने में कि उसने एक हेरिंग फिश को भी कैच किया और आराम से एक छोटी सी रॉक पर बैठकर उस फिश को खा रहा था। और उसके पेरेंट्स थे वो उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे और काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे कि इस सिबलिंग ने जो फ्लाई करना है वो सीख लिया है और फिश को कैच करना भी सीख लिया है। और बच्चों ये जो सीगल था भूख से लगातार चिल्ला रहा था लेकिन इसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो फादर थे और उसके जो सिबलिंग्स थे वो फिश को कैच करने के बाद खा चुके थे और उनका पेट भर गया था और आराम से रॉक पर बैठकर आराम कर रहे थे। और उसकी तरफ, उस सीगल की तरफ उसकी फैमिली मेंबर्स में से कोई भी नहीं देख रहा था सिवाय उसकी मदर के। और जब लगातार जो सीगल था वो भूख से चिल्लाता रहता है तो उसकी जो मदर होती है वो अपनी बीक में एक छोटे से फिश को कैच कर उसे खिलाने के लिए लेके आती है। और जब सीगल देखता है कि उसकी जो मदर है उसे फिश खिलाने के लिए लाई है तो वो अपने लैज से निकलकर एक रॉक पर आ जाता है। और बच्चों रॉक इस तरीके का होता है कि उसके किनारे सी होता है, समुंदर होता है और रॉक की ऊंचाई काफ़ी होती है तो बिल्कुल किनारे आ जाता है और उसकी जो मदर थी उसके बीक में फिश, छोटी सी फिश थी तो उसे खिलाने के लिए वो भी किनारे पर आ जाती है। और लगातार जो सीगल था वो किनारे पर रॉक की तरफ दौड़ता रहता है और उसे ये आभास ही नहीं रहता है कि वो कब रॉक से नीचे समुंदर की ओर गिरने लगा। और जैसे ही बच्चों वो जो सीगल था वो नीचे की तरफ गिरता है उसे तो ऐसा लगता है कि उसकी डर के कारण डेथ ही हो जाएगी, उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। लेकिन तभी वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है और विंग्स को फ्लैप करने से होता है ये कि वो आसानी से एकदम से फ्लाई करने लगता है और फ्लाई करते करते उसे ये पता ही नहीं लगता है कि कब वो बहुत ऊँची उड़ान उसने भर ली है। और बच्चों उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो मदर थे, उसके जो सिबलिंग्स थे वो बहुत ही प्रेज करते हैं, बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि इसने भी अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है कंप्लीट कर ली है। लेकिन थोड़ी देर बाद उड़ने के बाद में, क्योंकि बच्चों वो 24 आवर्स से भूखा था, उसने कुछ भी नहीं खाया था तो उसके जो विंग्स थे वो थकने लगते हैं तो वो सी की तरफ नीचे गिरने लगता है। और वो नीचे देखता है कि जो सी है वो लगातार सी की तरफ गिर रहा है और ग्रीन सी ऊपर से नीचे दिखाई पड़ रहा है। तो जब जैसे ही सी की तरफ गिरने लगता है तो सबसे पहले उसके जो पंजे होते हैं वो सी के पानी में यानी कि वाटर में टच करते हैं तो उसे ठंडा ठंडा फील होता है। और जल्दी से ही थोड़ी देर बाद उसकी जो बैली थी यानी कि जो उसका स्टोमक था वो भी सी के पानी में, समुंदर के पानी में टच करता है। लेकिन होता क्या है, होता है ये कि वो डूबने के बजाय उस पानी में फ्लोट करने लगता है। और जैसे ही वो फ्लोट करता है उसे बहुत मज़ा आने लगता है, वो ये देखता है कि मैंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को भी कंप्लीट कर लिया है और मैंने तैरना भी सीख लिया है, फ्लोट करना भी सीख लिया है। और उसके जो पेरेंट्स थे और उसके जो सिबलिंग्स थे वो इतने खुश हो जाते हैं कि चारों तरफ उड़ने लगते हैं, उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेर कर उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और बहुत खुश होते हैं, क्लैपिंग करते हैं। और उसके जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि आखिर इस सीगल ने अपने डर को जीत लिया है और अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों बस यही हमारी लाइफ है, हम लोगों को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम लोगों को इससे सीखने को मिलता है ये कि जब तक हम लोग अपने डर पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, अपने डर को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमें किसी टारगेट को अचीव करना है, हमें किसी टारगेट को पूरा करना है तो सबसे पहले हमें अपने डर को जीतना होगा। एक बार जब हमारे मन से डर निकल जाएगा
तो वो टारगेट, वो गोल हमसे दूर रह ही नहीं सकता। तो बच्चों बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी दी थी इन्होंने, इसके राइटर ने, इसके ऑथर ने, और हम लोगों को बहुत कुछ इस स्टोरी से सीखने को मिला। और हर बार की तरह बच्चों मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर करिएगा। और जो लोग आज हमारे चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो छोटा सा बेल आइकन है, उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हमारा अपलोड होगा वीडियो YouTube पर, सबसे पहले नोटिफिकेशन किसके पास पहुंचेगा? सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास में। तो बच्चों आज 3 लेसन्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, और 3 लेसन का फर्स्ट पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। इसकी जो सेकंड स्टोरी वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।